हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक का पेज नंबर 14 का लास्ट पैराग्राफ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बता दिया गया था कि जो मूर्तिकार है वो एक नई सलाह देता है, गेट लगते हैं, एक विचार विमर्श होता है और जिंदा नाक लगाने का एक डिसीजन लिया जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीमे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इज्जत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मूर्तिकार का जो विचार था एक जिंदा नाक लगाने का, हमारे जो मतलब ये प्रबुद्ध वर्ग है या हम कहें कि हमारा प्रशासनिक वर्ग, अमला जो है उसने और जो हमारा जो एक कमेटी बनी थी उन्होंने इसको मंजूरी दे दी और मूर्तिकार ने कहा कि आप सिर्फ इस बात का मंजूरी दे दें, लेकिन आप ये मत सोचें व्यवस्था करना मेरा काम है। और बस ये बात उसने इजाज़त दे दी गई इस बात की कि आप एक जिंदा नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा सकते हैं। उन इस बात की इजाज़त उसको मिल गई। अब अखबार जो प्रिंट मीडिया था वो हमेशा उस टाइम पे बहुत एक्टिव हो रहा था। रानी से रिलेटेड हर खबर को छापना और वो भी बड़े गर्मजोशी के साथ छापना उनका पहला काम था। तो ये बात उन्होंने तुरंत ही छाप दी कि राजपथ पर जो इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति बनी है उस पर नाक लग रही है, यानी कि उसकी लाट पर जो नाक नहीं थी अब वो लग रही है। ये उनके समाचार पत्र की एक पहली लाइन के रूप में ऐसा संपादित उन्होंने किया था। तो आगे हम चलते हैं। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और फिर ये जो जॉर्ज पंचम लेखक बता रहा है कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसके आसपास का जो वातावरण था, जो मूर्ति की जो पहरेदारी होती थी वो और मतलब व्यवस्थित कर दी गई। और दूसरी बड़ी बात है, उसके आसपास में जो मूर्ति के पास में एक तालाब आचारों का होता ही है सुंदरता के लिए, तो वहाँ से उसकी राब निकाली गई और उसका तालाब में साफ पानी भरा गया। इसका एक और बड़ा रीजन था कि वहाँ के आसपास पानी होने के कारण वहाँ के आसपास के वातावरण में थोड़ा सा ठंडक बनी रहेगी और जो जिंदा नाक रानी के आने के टाइम पर लगाई जा रही है वो सुरक्षित रखी जा सके। तो ये चीज़ उन्होंने कर दी थी। लेकिन यहाँ पे लेखक एक बात भी बताना चाहता है कि जिंदा नाक लगाने की जो मूर्तिकार ने अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, इस बात से वह भी थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा था और उन्होंने बनाई गई कमेटी से जो उससे कुछ और मदद मांगने की बात कही तो उसे वो दे दी गई। लेकिन एक बात उनसे हर बार यही प्रॉमिस करा रही थी कमेटी कि उस खास दिन, बस उस खास दिन को याद रखना कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़
मूर्तिकार को बार बार बताई जा रही थी, समझाई जा रही थी। ये हमारे जो प्रशासनिक जो अमला था वो इस बात से डर रहा था कि रानी हमारे देश में आए और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक ना देखकर शायद हमारी मतलब कुछ भी सोचने के लिए हमारे देश की या हमारी कुछ इज्जत ना रहे। और ये सब तमाम बातें हमारी परतंत्र मानसिकता को बताती हैं, जो कि हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी आज भी इन परतंत्र मानसिकता के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र होने के बावजूद भी कितना परतंत्र हैं। ये हमें ये सवाल हमारा खुद का अपने आप से है कि परतंत्र मानसिकता ना तो एक अच्छे समाज को, ना अच्छे परिवार को, और उससे ना अच्छा एक देश का जन्म नहीं हो सकता है। स्वतंत्र सोच से ही हमारी तरक्की हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो पेज नंबर 15 के जो पैराग्राफ नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। तो गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन, टेक केयर।